खबर भरतपुर के डीग से है, जहां गोद लिए एक कलयुगी नाबालिग बेटे की ओर से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। दरअसल घटना को लेकर महिला के पति ने बेटे के खिलाफ डीग थाने में दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है और इस रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बीमार पत्नी घर पर अकेली थी कि तभी अचानक से ही गोद लिए नाबालिग बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला के साथ की कोई भी संतान नहीं थी और संतान के सुख की चाहत में दोनों पति पत्नी ने करीब 15 साल पहले हरियाणा के फरीदाबाद से 15 दिन के बच्चे को गोद लिया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।